good evening. Happy Sabbath to each and every one of you. Good morning to Dr. Melvin Rao and to the folks in the western part of the world, in Trinidad too. And good evening to everybody, our loved ones in India. As you are beginning the holy hours of Sabbath, I know the sun has set in the west and the night is fast approaching. We thank our good Lord for his mercies over us in the last week and for ushering us into the holy hours of his Sabbath day. हमें सुंदर सबत का शाम को आप सबको स्वागत करते हैं यीशु मसीह के नाम से, प्रभु यीशु के नाम से, और ईश्वर को हम धन्यवाद देने चाहते हैं कि उसने हमें लास्ट वीक, ये वीक जो हम अंत किए हैं, हमें सुरक्षित रखा है, हर प्रकार के दुख तकलीफ से बचा के रखे हैं और हमें इस सुंदर सबत के शाम को, शुरुआत को देखने का मौका दिया है। इसलिए हम ईश्वर को धन्यवाद देते हैं और आप सबको हम स्वागत करते हैं इस सुंदर जीपीडी हेमरोम वर्शिप इवनिंग के लिए, और हम धन्यवाद देते हैं कि आपने अपना समय निकाल के इस परिवार वर्शिप में शामिल हुए हैं। आप सबको हम स्वागत करते हैं। माइकल मौसा जो हम दुमका से ज्वाइन कर रहे हैं, हम स्वागत करते हैं, और मिरियम जो उनके साथ है, माइकल मौसा एंड मिरियम, हम आप दोनों को स्वागत करते हैं, आपके फैमिली को भी हम स्वागत करते हैं। और मौसा मामी, सेडू मामू, दीना मामी और घाशिला के परिवार, बच्चे लोग जो वहां बैठे हैं, आप लोगों को भी विशेष तरह से स्वागत करते हैं, वेलकम। और डॉक्टर राव को भी हमने स्वागत किया, जो हर हफ्ता हमें ये जूम मीटिंग होस्ट करते हैं, उसके लिए हम बहुत आभारी हैं, धन्यवाद देते हैं। और डॉक्टर सैमुअल जॉर्ज, डॉक्टर हेमा, अर्पिता चेरी जो हमारे साथ वेलोर से, और अर्पिता जो नेपाल से ज्वाइन करते हैं, उनको भी हम स्वागत करते हैं। और आज हम एरन बाबू को देख रहे हैं, उसका नाम तो हम सोचते हैं कि वो शायद जॉनसन और किरण है। सो वेलकम। आइए हम सभा को आगे बढ़ाने के लिए प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर हमें आशीष दे इस सभा के लिए और वर्शिप सेशन के लिए। लेट्स प्रे। अ काइंड एंड मर्सीफुल हेवनली फादर, लॉर्ड, इन द बिगनिंग ऑफ अनदर ब्यूटिफुल सैबथ डे, वी थैंक दी एंड प्रेज दी फॉर टेकिंग केयर ऑफ अस इन द पास्ट डेज। लॉर्ड, एनीथिंग कैन हैव हैपेंड टू एनीवन ऑफ अस, बट यू हैव बीन ग्रेशियस, यू हैव बीन प्रोटेक्टिव ओवर अस, एंड यू हैव हेल्प्ड अस टू सी दिस ब्यूटिफुल सैबथ बिगनिंग ऑफ योर होली डे। वी आस्क देयर मर्सीज, वी आस्क देयर ब्लेसिंग्स एज वी बिगिन आवर वर्शिप दिस इवनिंग, that you lead us and guide us, and that your name be honored, glorified, and praised. Forgive us for our sins and shortcomings. For all these mercies, we ask in dear Jesus Christ's name. Amen. We want to read, as we welcome you, from Psalm 95 and verses 6 and 7. आप हमारे साथ follow कर सकते हैं कि हम Bible से पढ़ रहे हैं भजन संहिता 95 और उसका पद 6 और 7 में। So it is written, O come, let us worship and bow down. Let us kneel before the Lord, our Maker, for He is our God, and we are the people of His pasture and the sheep of His hand. Today, if you hear His voice, number 8, do not harden your hearts as at Meribah, as on the day at Massah, in the wilderness, number 9, when your fathers put me to the test and put me to the proof, true, though they had seen my work. तो हम इस पे हम ध्यान देंगे, और हिंदी में लिखा है, आओ हम झुककर दंडवत करें और अपने कर्ता यहोवा के सामने घुटने टेके, क्योंकि वही हमारा परमेश्वर है और हम उसके चराई की प्रजा है और उसके हाथ के भेड़े हैं। भला होता कि आज तुम उसकी बात सुनते, अपना हृदय ऐसा कठोर मत करो जैसा मरीबा में व मसा के दिन जंगल में हुआ था, जब तुम्हारे पुरखों ने मुझे परखा, उन्होंने मुझको जांचा और मेरे काम को भी देखा। तो लेट अस थैंक द लॉर्ड,
that we are the sheep of his hand, and we are the people of his pasture and the sheep of his hand, and he cares for us. It's a wonderful thought that comes to us this evening. Okay, so aaiye hum sabha ko shuru karne ke liye Ghachila family ko invite karte hain ki hame song service mein agwai kare. So let's invite the Ghachila family to lead us in our song service. Okay, I would like to welcome each one of you for this Vespers meeting. And to begin our Vespers meeting, we'll start by singing, He is my everything. He is my everything. He is my everything. Thank you.
For last song, we'll sing Hide Me Now. So just sing one more song. We'll sing Whisper a Prayer in the Morning. Ghatshila family, it is so nice to see our young kids, Shania and everybody, such a beautiful singing. So thank you very much for the lovely song service. And moving on, we will invite Miss Stella Murmu to lead us in prayer. Stella, we have a number of prayer requests that we want you to take note of. Of course, we want to continue praying for Ivy Mossi, Sedu Mamu, Sanatan Mossi, Shakun Mossi, all our elderly family members in prayer that Lord's healing will be upon them. And we want to remember all the children who are writing their exams during this week and coming weeks. And for the Ghatshila school has been special prayer request. We want to also pray for all the people who got married this week for the new beginning in their life, Dr. Sonu and Dr. Rick. And Samuel and
for their and pray for all our families in general. Okay, so Stella, over to you. Happy Sabbath, everyone. So let's bow our heads for the prayer. Our most gracious Heavenly Father, let us thank you for this beautiful Sabbath preparation day you have given us. Thank you for all your manifold blessings throughout the day. Thank you for taking care of us throughout the week, and you have given us another Sabbath in our lives, Lord. And Lord, we want to worship thee. Help us that we may commit our hearts and our minds to hear your word. And be with the speaker who's going to speak to us, Lord. May you speak through him, and may his word can touch our hearts, Lord. Be with those who are sick and suffering, Lord. Be with Ivy Auntie. Please be with her, Lord, as she has gone through a surgery. May you heal her completely, Lord, and bless her with good health. Be with Sukun Mercy, be with her too. Be with her, bless her, whatever sickness she has, Lord, may you heal her completely and give her rest and bless her medicines that she is taking, Lord. Be with the doctors, those who are attending, and be with Samuel Uncle, Lord. He's been having good health, and we continue to keep him under your care, Lord. May you bless him and give him long life, Lord. Give him good health, and may he may continue to serve you. And be with all the family members, the elderly people, Lord, those who are sick and those who are any kind of sickness they're having, Lord, please be with them. Cure them, Lord, and give them good health. And be with those, be with Sister Sonu and her husband, Lord. Bless them as they have entered into new life, Lord. May you bless their lives that they may continue to serve you, and be with all that they do, Lord. Forgive us sins that we have committed knowingly and unknowingly, Lord, and help us that we may forgive each other also, and we may come with a clean heart, Lord. Thank you so much for hearing our prayer. We commit each one of the members present over here into your hand. Thank you so much for blessing us. In the name of Jesus Christ. Amen. Amen. Thank you, Stella, for that wonderful prayer, remembering all our family members. Moving on, we'd like to invite Kenny and group to come forward and render a special music. Stella ko hum dhanyabad dete hain uska sundar dua ke liye, prarthna ke liye, aur hum Kenny aur group ko invite karte hain special music ke liye. Kenny, over to you. Thank you.
Kenny and group for that very wonderful song. And I'm sorry, the internet was giving little problem, but the message was wonderful. So aap sabko dhanyabaad dete hain Kenny aur group ko. Aaye hum aage badhte hain aur aaj ka jo vachan hai us pe hum dhyan denge. I'm sorry, I'm not Mr. Ashok Sagure, but the Lord is impressing me to give you the message for this evening. Praise the Lord. And we thank Janelle to giving me this opportunity. Aap sabko hum swagat karte hain. Aaj hamara jo message hai, Mr. Sagure ko hum aaj nahi dekh rahe hain, par Ishwar hame mujhe impress kar raha hai ki main aapko aaj message do. कल रात जो हमारा रात था आपका सुबह था आज सुबह तो हमें एक मैसेज के लिए बुलाया गया था और आई वाज देयर गिविंग द मैसेज सो आई एम गोइंग टू प्रेजेंट द सेम मैसेज इफ यू डोंट माइंड फॉर द यूनाइटेड प्रेयर सेशन 24/7 जो यूनाइटेड प्रेयर हो रहा है 10 दिन के लिए और वो लोग वुमेन पे फोकस कर रहे हैं पर्टिकुलरली द वुमेन फ्रॉम द बाइबल तो हम मैसेज देने से पहले हम स्वागत करने चाहते हैं जो शुरू में हम स्वागत नहीं कर पाए थे और जो लोग अभी ज्वाइन किए हैं जस्ट गिव मी फ्यू मोमेंट्स टू वेलकम देम हम आईबी मौसी क्लॉडियस मौसा को देख रहे हैं वेलकम आप दोनों बहुत अच्छे दिख रहे हैं जो अभी की मौसी के लिए हम प्रे कर रहे हैं वेलकम हम शमादी और मनोहर अंकल को भी वेलकम कर रहे हैं आपको बहुत दिन के बाद हम देखे हैं और आप सब ठीक अच्छे दिख रहे हैं वेलकम एंड असरिता मामी आपको भी हम वेलकम करते हैं रानी रोशन और रश्मि और आपके परिवार को हम वेलकम करते हैं और हम देख रहे हैं बबली किसको आपको वेलकम बबली टू आवर वर्शिप रायन किसको रायन वी वांट टू वेलकम यू एंड हेलिना आंटी एंड कमालियल अंकल आपको भी हम वेलकम करने चाहते हैं So Dr. Rao, would you allow me to share screen? Oh, thank you. Wonderful. You already gave me the permission to share the screen. Okay, so. Okay.
Okay, just give me a moment. I'll just pull up my PowerPoint. तो आज का वचन हम मेरे साथ खोलेंगे मैथ्यू और हम आई वॉन्ट समबडी टू रीड इन हिंदी मैथ्यू चैप्टर 15. उसमें बहुत अच्छे कहानी दिया है. तो मत्ती का किताब चैप्टर 15 एंड वर्सेस 21 to 28. मैथ्यू 15 वर्सेस 21 to 28. आप कोई पढ़ने चाहेंगे जब तक मैं अपना पावर पॉइंट निकाल रही हूँ. यीशु वहां से निकलकर सूर और सैदा के प्रदेश की ओर चला गया. उस प्रदेश से एक कनानी स्त्री निकली और चिल्ला कर कहने लगी, हे प्रभु दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर, मेरी बेटी को दुष्ट आत्मा बहुत सता रहा है. पर उसने उसे कुछ उत्तर ना दिया. तब उसके चेलों ने आकर उससे विनती की, इसे विदा कर क्योंकि वो हमारे पीछे चिल्लाती हुई आ रही है. उसने उत्तर दिया, इसराइल के घराने की खोई हुई भेड़ों को छोड़ मैं किसी के पास नहीं भेजा गया. पर वो आई और यीशु को प्रणाम करके कहने लगी, हे प्रभु मेरी सहायता कर. उसने उत्तर दिया, लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना अच्छा नहीं. उसने कहा, सत्य है प्रभु, पर कुत्ते भी बहुत चुर चुर खाते हैं जो उनके स्वामियों की मेज से गिरते हैं. इस पर यीशु ने उसको उत्तर दिया, हे स्त्री तेरा विश्वास बड़ा है, जैसा तू चाहती है तेरे लिए वैसा ही हो. और उसकी बेटी उसी घड़ी से चंगी हो गई. आमीन. आमीन. थैंक यू सो मच. आइए हम प्रार्थना करें. A gracious Lord and Heavenly Father, talk to us, dear Lord, at this moment. We want to commit our whole being to you. May your name be honored and glorified, dear Father. These mercies we ask in dear Jesus Christ's name. Amen. तो आज का मेरा टॉपिक है अ मदर्स प्ली, माँ की ममता और माँ की जो रिक्वेस्ट था उसके ऊपर हम आज अमल करने जा रहे हैं. प्ली ऑफ अ मदर. इफ यू फॉरगिव मी आई हैव टू मिक्स इंग्लिश एंड हिंदी टुगेदर. ऑफ कोर्स दिस वाज फॉर द यूनाइटेड प्रेयर इंडिया दैट आई हैड प्रेजेंटेड लास्ट नाइट फॉर मी and morning for you. So we want to spend a little time in understanding. तो हम वचन में पढ़े कि ईश्वर किस तरह से वो एक कनानी महिला को मदद किया और किस तरह से दोनों के बीच में क्या वार्तालाप चला. तो हम यह बहुत अच्छी तरीके से हमारे बीच में ये वचन पढ़ा गया है हिंदी में. और आइए हम इंग्लिश में पढ़ते हैं कि the Canaanite woman's encounter with Jesus Christ. And we find in verses 25 to 28 that the woman came and knelt before him and said, Lord, help me, she said. And he replied, it is not right to take the children's bread and toss it to the dogs. Yes, it is, Lord, she said. Even the dogs eat the crumbs that fall from the master's table. Then Jesus said to her, woman, you have great faith. Your request is granted. And her daughter was healed at that moment. उसी वक्त उसकी उस महिला की बेटी चंगी हो गई. तो what was the background of the whole story? इस story का background क्या था? हम देखते हैं कि यीशु मसीह के पीछे पीछे बहुत सारे भीड़ चलते थे. जब वो अपना ministry शुरू किया था 30 साल की उम्र में, तो और उसके जो चेले बने थे उनके साथ वो जगह जगह जाते थे और प्रचार करते थे. और जब वो जो शहर में उसको अनुमति नहीं मिलती थी या रिजेक्ट किया जाता था, तो अपना वो सैंडल को झाड़ के दूसरे जगह चले जाते थे. तो इसी तरह से वो
वो और उसका डिसाइपल अपने सैंडल्स के से धूल डस्ट को हटा करके दूसरे शहर में जा रहे थे, और इस टाइम वो लोग जा रहे थे टायर और सिदोन की ओर, जो कोस्टल एरिया में, जो नदी समुद्र के तट के किनारे ये दो शहर थे, और उन दिनों ये बहुत ही नामी शहर थे और बहुत सारे व्यापारी वहां आते जाते थे और बहुत वेल्थ और वहां पे बहुत वेल्थ इकट्ठा होते थे, बहुत प्रॉस्परस सिटीज थे। पर इतना उनमें आबादी होने के बाद भी वहां पे स्पिरिचुअल हंगर, जो बोलते हैं कि आत्मिक तौर से भूखमरी थी, जिसको हम भूखमरी कह रहे हैं, कि आत्मिक भूखमरी उस रीजन में बहुत था, क्योंकि वो लोग शारीरिक और मटेरियल तौर से बहुत खाते पीते लोग थे, पर आत्मिक रीति से वो लोग बहुत पीछे थे। सो वी फाइंड हियर दैट दो दीज वर प्रॉस्परस सिटीज एंड पोर्ट एरियाज, देयर वाज अ ग्रेट स्पिरिचुअल हंगर इन द रीजन। एंड हम ये भी देखते हैं कि बहुत आगे जीसस की मिनिस्ट्री में वो सिदोन और टायर पहले भी विजिट कर चुके थे, और ये दूसरी बार वो विजिट कर रहे थे। और जब वो विजिट किए थे और वहां के लोगों से मिले थे, और जब वो अपना सर्मन प्रचार करते थे गलीली के तरफ, तो उसके पीछे बहुत सारे लोग जो टायर और सिदोन से थे वो भी आए थे। और ये हम पढ़ते हैं मार्क 3:8 में और लुका 6:17 में कि कैसे भीड़ लोग उसको फॉलो करते थे, और उन भीड़ में लोग सिदोन और टायर से भी थे। सो वी फाइंड दैट इन हिज मिनिस्ट्री द मल्टीट्यूड्स हु यूज्ड टू फॉलो जीसस, देयर वर पीपल हु वर फ्रॉम सिदोन एंड टायर। सो इट इज एविडेंट दैट द वर्ड्स ऑफ जीसस मैसेज, गुड न्यूज, वुड हैव रीच्ड दिस पोर्टल एंड कोस्टल पोर्ट्स, and people were familiar with the healing and preaching ministry that he was doing. So this is the background. So hum dekhte hain ki jo Tyre aur Sidon se log aaye the us bheed mein jama the aur logon ka aur unhone ishu ka vachan suna aur apne apne shahar mein leke prachar kiye, aur is tarike se Sidon aur Tyre ke log ishu masi ke bare mein jante the. तो ये है थोड़ा सा बैकग्राउंड वो स्टोरी का। और फिर हम देखते हैं कि जब यीशु मसीह उस शहर में आया, जब वो उस शहर में आया तो वहां पे एक महिला उसे मिली। अच्छा, ये है, ये तो आर्टिस्ट का इमेजिनेशन है, पोर्ट ऑफ सिडोन, दिस इज हाउ इट लुक्ड इन द टाइम ऑफ जीसस, एंड दिस इज द मैप ऑफ द पोर्ट्स, एंड वी सी दैट इन मॉडर्न डे इट इज लोकेटेड इन लेबनन, and these are still beautiful ports in the country of Lebanon. And between Sidon and Tyre, ye do ports ko dekhe, iske beech mein ek aur port tha, uska naam tha Zarephath. Aapko yaad hai Zarephath ke bare mein, Zarephath mein kya hua tha? Zarephath mein hum Old Testament ki taraf jaate hain, jahan Zarephath mein Elijah ne ek mahila ko mila jo widow thi, और उसके घर परिवार को आशीष दिया, और वो काफी डेट में थी और उसको आशीष दिया, और उस आशीष से उसका घर आबाद हुआ। तो ये है कनेक्शन कि बहुत साल पहले वहां भी एक मिरेकल हुआ था और आज यहाँ एक फिर से मिरेकल होने वाला था। तो ये है विडो ऑफ ज़रफ़त और एलाइजा, जिसकी कहानी हम जानते हैं। तो इसी उसका भी पोर्ट एरिया में ही था, उसी शहर सिडोन और टायर के बीच में शहर का नाम था ज़रफ़त, यहाँ पे ये घटना घटी थी। तो उसका बहुत अच्छा हिस्ट्री है, और देखते हैं कि महिला और उसके परिवार कभी किसी चीज की जरूरत नहीं हुई जब अलाइजा वहां आया और उनको आशीष दिया। और यहाँ देखते हैं कि ये महिला को भी बहुत आशीष मिली, क्योंकि उसका फेथ, बिकॉज ऑफ हर फेथ, अलाइजा एक मतलब कि स्ट्रेंजर था, उसको तो ना जान था, परिवार में स्वागत किया, और जो भी अन्न था घर में उन्होंने उसी अन्न को बना के उसे खिलाया। और हम देखते हैं कि वो कभी उसकी घटी ना हुई। तो ये महिला कौन थी? A little background about this woman who approached Jesus. She was
commonly or popularly known as Syrophoenician. Okay, so she was from Syria, Phoenicia. So she was from a Gentile origin. She was not a Jew, but she was a Gentile. And Gentiles were not welcomed among the Jews. So as she was following Jesus, crying out to her, the disciples were a little disturbed. And they said, Jesus, just bless her. Whatever she wants from you, just bless her. Grant her request and let her go away. Because they didn't want to be in close communication with the Gentiles. And they still had a lot to learn. But Jesus was patient from this encounter. So whatever he did with to his disciples and to the unbelieving community of Jews, as well as to the believing community in Sidon and Tyre. So this is what Jesus' approach was as he encountered this woman. So we find there are many points that come out of this encounter. So let us just take it one by one. तो ये कहानी में हम देखते हैं कि यीशु मसीह का बर्ताव वो महिला की तरफ कुछ खास नियत से था, क्योंकि वो अपने डिसाइपल्स को एक सीख देने चाहता था, क्योंकि उनके डिसाइपल्स जब देखे कि ये जेंटाइल है, ये तो यहूदी जात की नहीं है, इसे दूर रखो और हम इसको अपने पास नहीं रखने चाहते हैं, तो वो यीशु मसीह को बोला था कि इसको आशीष देके जल्दी से विदा कर दो। पर यीशु मसीह बहुत शांत और नम्र थे और उन्होंने जो भी किया उनको सिखाने के लिए किया, और जो जूश कम्युनिटी जो ईश्वर पर नहीं विश्वास करते थे उनके लिए भी एक सिखाने की जरिया बना, और जो लोग जो उस पर विश्वास करते थे वो यहूदी नहीं थे, जो नॉन यहूदी थे और उन पे विश्वास करते थे। तो ये एक सीख देने चाहता था लोगों को इस औरत के जरिए से। तो इस स्टोरी में हम देखते हैं देयर आर फ्यू थिंग्स दैट इमर्ज। फर्स्ट ऑफ ऑल वी सी दैट शी क्राइड टू क्राइस्ट एज वन इन डीप डिस्ट्रेस। और ये हम देखते हैं कि ये पद में हम देखते हैं मत्ती 15 का 21 में 22 में कि शी वॉज क्राइंग एंड सेड हैव मर्सी ऑन मी ओ लॉर्ड सन ऑफ डेविड, माई डॉटर इज सिवियरली ऑप्रेस्ड बाय अ डीमन। तो यहाँ देखते हैं कि महिला ने ऊंचे स्वर से बोला, हे प्रभु दाऊद के संतान मुझ पर दया करो, मेरी बेटी को दुष्ट आत्मा बहुत सता रहा है। सो शी क्राइड आउट ऑफ द डेप्थ ऑफ हर डिस्ट्रेस। हर डॉटर वॉज सफरिंग फ्रॉम अ लॉन्ग टाइम एंड शी हैड नोवेयर टू गो, बट व्हेन जीसस एंटर्ड द सीन शी सॉ होप इन हिम। शी हैड हर्ड मेनी स्टोरीज अबाउट हिम and she approached him as a woman in deep distress. तो उन्होंने बहुत ही गहराई से, अपने हृदय की गहराई से, ऊंचा स्वर से ईश्वर को पुकारा, और जब उसने ईश्वर को पुकारा उसने उसको रिकग्नाइज किया कि वो मसीहा है और वो दाऊद का संतान का वारिस है, क्योंकि उन्होंने उसके बारे में बहुत सुना। तो हम ये देखते हैं कि हमारे जो बिलीवर्स के बीच में भी इतना फेथ नहीं रहा होगा जितना कि ये अनबिलीवर्स के बीच में इतना फेथ रहा। तो पहली बात हम देखते हैं कि वो ईश्वर को पुकारा अपने हृदय की गहराई से, क्योंकि उसकी बेटी बहुत तकलीफ में थी। हम देखते हैं एक माँ होने के जरिए कभी भी हमारे बच्चे दुख में या तकलीफ में गिर जाते हैं, हम बहुत बेचैन हो जाते हैं, उनको ठीक करने के लिए उनको डॉक्टर के पास ले जाते हैं, हर तरह के लोगों के पास ले जाते कि ताकि बच्चे ठीक हो जाए। तो इसी तरह से इस माता का हृदय में बहुत बेचैनी था कि मेरी बेटी को दुष्ट आत्मा ने सता रहा है, हम कैसे उसे ठीक करें। और उसी वक्त उन्होंने ईश्वर यीशु मसीह के बारे में सुना और उसने ऊंचे शब्द से उसे पुकारा। दूसरी बात हम देखते हैं, शी क्राइड फ्रॉम अ डिस्टेंस लेस्ट शी शुड नॉट ऑफेंड एनीवन। उसने दूर से आवाज दिया क्योंकि वो जानती थी कि वो यहूदी नहीं है, और अगर वो उनके पास आएंगे तो वो शायद छूत हो जाएगा उनको, मतलब कि उनका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा या जो भी होगा।
तो उन्होंने वो बहुत उसको ध्यान में था कि हमें इतना नजदीक नहीं जाना चाहिए लोगों को, क्योंकि हम उनसे अलग है, फर्क है. तो वो रिस्पेक्ट किया, वो डिस्टेंस रिस्पेक्ट किया. सो इन अदर वर्ड्स वी सी दैट शी मेंटेन्ड अ सोशल डिस्टेंस. सो सोशल डिस्टेंस इज नॉट ड्यूरिंग कोरोना वायरस दैट वी आर maintaining, but social distance was also practiced by people of in ancient time when they had to keep away or if they were from people. So in that nature, so she kept a social distance and she did not want to intervene into the spaces of people who they would have considered her to be unclean. So wo social distance maintain ki. दो रीजन है, क्योंकि वो महिला थी और बहुत कोई सोचते कि महिला को पब्लिक स्पेसेस में सामने आना नहीं चाहिए, बात नहीं करना चाहिए, उनको तो दूर ही रखो. तो ये एक भावना है हमारे मतलब कि इंडिया के अंदर में भी और बहुत सारे एशियन कंट्रीज में कि महिला को बहुत नीचे स्तर में रखा जाता है. तो वो अपने आप में रियलाइज की थी, एक तो मैं महिला हूँ, दूसरे तो मैं यहूदी नहीं हूँ. तो उसने दूर से उनको आवाज दिया. तो वी लर्न अ लेसन कि शी वाज वेरी रिस्पेक्टफुल बिकॉज जीसस वाज अ होली पर्सन. शी कंसिडर्ड हिम टू बी होली एंड शी शुड नॉट वांट टू कम नियर लेस्ट शी मे ऑफ अनक्लीन वर्ड्स और अनक्लीन हार्ट शी मे यू नो पोल्यूट द अदर्स अराउंड हिम. सो शी वाज माइंडफुल ऑफ दैट सोशल डिस्टेंस. थर्डली शी रिलेट्स हर मिसरी टू क्राइस्ट. तीसरी बात हम ये देखते हैं कि जब उसने पुकारा, उसने अपने हृदय की भावनाओं को उसके सामने रखा और जब उसने कहा कि माय डॉटर इज वेक्स्ड विद द इविल स्पिरिट, उसने कहा कि मेरी बेटी को दुष्ट आत्मा सता रहे हैं. उसने अपने दुख दर्द उसके सामने रखा. क्या हम भी ऐसे करते हैं जब हम दुख की तकलीफ मुसीबत में है? क्या हम अपने हृदय खोल के अपने हृदय को ईश्वर के सामने रखते हैं या अपने मन को छुपा के रखते हैं और एक शब्द नहीं बोलते हैं? पर ये महिला ने हिम्मत लेकर के यीशु मसीह के सामने अपने जुबान खोला, अपने मुंह खोल करके अपने हृदय और जो भी दुख था उसने सामने उसके पेश किया. चौथी बात हम देखते हैं, फोर्थली वी सी शी केम आउट टू हिम फॉर हीलिंग. उसने हिम्मत लेके बाहर निकला, अपने घर में थी, उसने हिम्मत लेके बाहर निकला और उसे विश्वास था कि यीशु मसीह उसकी बेटी को चंगा जरूर करेगा. और उसने उसके बारे में बहुत कुछ सुना था कि वो चंगा करता है लोगों को, दुख तकलीफ में जो है, बीमार है, पीड़ित है, तो उसको ये विश्वास था कि वो उसको हील करने वाला है. शी वॉज वेरी कॉन्फिडेंट एंड श्योर दैट जीसस इज गोइंग टू हील हिम एंड सो शी केम आउट टू मीट हिम. Fifthly, we see that she requests for mercy with eagerness. Okay? और हम देखते हैं कि उसने जो भी अपना इच्छा सामने रखा वो बहुत earnestness, बहुत उसके अंदर में जो चाहत थी उसके उसके साथ उसने अपना जो भी request था सामने रखा. और वो जानती थी कि वो मसीहा है, उसका request वो या तो वो हाँ बोलेगा या ना बोलेगा, पर उसने हिम्मत नहीं छोड़ा. उसने बहुत दिल से अपना रिक्वेस्ट को सामने रखा. जो भी कि डिसाइपल्स लोग बोल रहे थे कि इसे भेज दो और हम इसे नहीं अपने साथ रखने चाहते हैं और इसे जल्दी से विदा कर दो, पर उसने लगी रही ईश्वर के पीछे और अपना रिक्वेस्ट जो था हृदय से उसके सामने पेश करती गई. So she did not give up. Number six, we find that she broke through the discouragement met with her encounter with Christ. Even though she found little discouragement, first of all, Christ did not speak to her. When she was pleading behind him, he did not say a word. We find here, it says in verse when disciples in verse 23, he says, but he did not answer her a word. And his disciples came and begged him, saying, send her away, for she's crying out after us. Okay? So he did not say a word. And disciples urged him to send her away. तो 23 में देखते हैं कि पर उसने कुछ उत्तर ना दिया, तब उसके चेलों ने आके उसे विनती की कि इसे विदा कर, क्योंकि वह हमारे पीछे चिल्लाती हुई आ रही है. They were annoyed, they were irritated.
the way she was shouting and pleading for Christ's attention. Okay? So it they broke through all this. She broke through all the discouragement and went ahead with her plea. तो ये भी जो भी उसे निराश उसने ईश्वर के बर्ताव से निराश नहीं हुई और जो भी उसके चेले कह रहे थे उसने उससे निराश नहीं हुई क्योंकि दो बात थे. उसकी बेटी बहुत पीड़ित थी और वो चाहती थी, माँ का हृदय था कि वो किसी तरह से यीशु मसीह से ये दुआ करवाए. और दूसरी बात, she had a faith in Jesus Christ. उसका जो faith था ईश्वर के ऊपर वो उसे और उत्तेजित किया and she it moved helped her to move through the discouragement. और एक और discouragement जो उसके ऊपर आया था, when Jesus said to her that I was sent only to the lost sheep of the house of Israel. Okay, and she came and knelt before him saying, Lord, help me. और जब यीशु मसीह ने जब उसे उत्तर दिया कि इसराइल के घराने की खोई हुई भेड़ों को छोड़कर मैं किसी के पास नहीं भेजा गया, और वह आई और प्रणाम करके कहा, हे प्रभु, मेरी सहायता करो. So even he spoke very firmly to her ki I have come for with a purpose, with a mission to save the lost of the Jewish nation. Well, he did not say to discourage her, but he was saying all these things to teach lesson to his disciples and to the unbelieving Jews. That was his reason. It's not that Jesus don't love the Gentiles. He loved everybody. He came to this world for everyone. But the reason for him to give that answer was to teach the unbelieving Jews. ईश्वर का ये ईसा मसीह का ये मकसद नहीं था कि वो महिला को प्रेम नहीं करता था या जो यहूदी नहीं थे उनको वो प्रेम नहीं करता था, ये बात नहीं था. पर वो इसलिए कहा ताकि वो जो भी उसके चेले लोग थे और जो यहूदी लोग जो उस पर विश्वास नहीं करते थे उनको सिखाने के लिए इस महिला के साथ इस रीति से बात किया. पर फिर भी हम देखते महिला फिर भी उसके सामने आके घुटने टेक करके बोलती है, मुझे मेरी सहायता मदद कर. तो इस पर यीशु मसीह क्या बोलता है, इस पर वो कहता है कि सत्य इसमें वो कहता है कि लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना अच्छा नहीं है. इट्स अ वेरी स्ट्रेंज वे दैट ही रिप्लाइड. ही सेड दैट इट इज नॉट राइट टू टेक द चिल्ड्रंस ब्रेड एंड थ्रो इट टू द डॉग्स. So we'll be very surprised if somebody tells us that when we went to ask them something and they're telling us it's not that they're calling us dog or they're telling we are not privileged to have that, privileged to have that to us, given to us. हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने जिस तरह से वो किया, कोई भी इंसान होता तो वो वहां से निकल पड़ता, दुखी हो जाते, टूट जाते कि यीशु मसीह मुझे इस तरह से क्यों बोला, क्या मुझे वो कुत्ता कहा. पर हम देखते हैं कि महिला ने फिर भी छोड़ा नहीं और उसमें इतना शक्ति था, इतना प्रेजेंस ऑफ माइंड था कि उसने उसे जवाब दिया कि सत्य है प्रभु, पर कुत्ते भी वह दुर्चार खाते हैं जो उसके स्वामियों की मेज से गिरते हैं. And we find that a surprising answer that she gives that, yes, Lord, even the dogs eat the crumbs that fall from the master's table. Usne bahut sundar tarike se uska jawab diya ki ha prabhu. Jab usne bola yes Lord, jab usne bola ha prabhu, to ye dikhate ki ha main kutte ke saman hu kyunki main mahila hu aur main anya jati ki hu, तो डेफिनेटली मैं तो कुत्ते की जैसी हूँ जो लोग हटा देते हैं, दूर कर देते हैं. और वो अपने आप को सच्चाई से सामना की क्योंकि हाँ प्रभु मैं हूँ कुत्ते की जैसा ही हूँ, पर कुत्तों को भी स्वामियों के मेज से जो टुकड़े गिर जाते हैं खाने का मौका मिलता है. She said, even the dogs have the privilege to eat the crumbs from the master's table. तो इसमें देखते हैं कि उसमें इतना फेथ था कि ठीक है मुझे खाना मत दो, पर खाने का जो टुकड़ा जो नीचे गिर गया है जो किसी को नहीं चाहिए वही दे दो और मैं उसी से ही खुश रहूंगी. सो शी हैड सो मच फेथ टू से दैट द क्रम्स दैट फॉल फ्रॉम द टेबल, व्हाट डू वी डू टू द क्रम्स, वी जस्ट स्वीप इट अवे
nobody picks up from the ground or floor and eat it, but we will just sweep it away, clean it, and throw it in the garbage. So she is saying, even the crumbs that fell and people want to throw that in the garbage, give that to me and I'll be happy with that, to know that I got that blessing that people are going to throw in the garbage. I will take that blessing from the garbage and be blessed with that, because it is coming from my master, because it is coming from my Jesus. Okay. So her acknowledgement was so humble. And she said, yes, Lord, I am. तो उसने बोला, हाँ प्रभु, ये सत्य है कि हम कुत्तों के समान है, पर कुत्तों को भी स्वामियों के मेज से खाने का मौका मिलता है. And when we see that she gave such an answer, God commended, Jesus Christ commended her for her faith. और हम देखते हैं कि यीशु मसीह बहुत खुश हुआ और उसने उत्तर दिया, हे स्त्री, तेरा विश्वास बड़ा है, जैसा तू चाहती है तेरे लिए वैसा ही हो. और उस वक्त उसकी बेटी चंगा हुई. And we find at the same moment her daughter was healed. And it says, oh woman, great is your faith, be it done as you desire. So she did not give up and she claimed the blessing that people want to throw in garbage. Is it true with us also sometimes? We as believing Christians, we are recipient of God's amazing, amazing blessings. Every day he blesses us. Every day he is kind to us. Every day he's affectionate. But there are those who don't know him. Or there are those who know him, but they're in different faith. And they don't know how to approach. And they are spiritually hungering for God's word. And the things that we take for granted, it will be so nice if we share those blessings with those other believers who are hungering and thirsting for God's word. So mere kehne ka matlab yaha hai ki yahan pe bahut sare log hai duniya mein jo ishwar ko aashish ke liye taraste hain, unko kahin se aashish nahi mil raha hai aur wo taraste hain. Aur hum jo ishwar ke vishwasi log hai, hamare paas dher sare aashish hai. क्या हम उन आशीषों को दूसरों के साथ बांट नहीं सकते हैं? हमें बांटना चाहिए. और दूसरी बात हम ये देखते हैं कि जो माँ का हृदय जो था अपने बच्चों के प्रति, इतना मतलब कि इतना नम्र था, इतना सॉफ्ट था कि वो किसी भी सूरत में बच्चे को ठीक करने के लिए किसी भी गहराई तक जा सकती है ताकि उसका बच्चा ठीक हो जाए, चंगा हो जाए. तो ये हम देखते हैं कि माँ और बच्चों में कितना गहरा रिश्ता है. और हम जानते हैं कि हमारा रिश्ता भी हमारे माँ के साथ बहुत ही गहरा था और हमेशा रहेगा. तो वी नीड टू पॉज एंड टेक टाइम टू थैंक आवर मदर्स फॉर ब्रिंगिंग अस अप, फॉर देयर लव, फॉर देयर कंपैशन टुवर्ड्स अस. इट इज सेकेंड टू गॉड्स लव फॉर ऑल ऑफ अस. सो ईश्वर आप सबको आशीष दे और हम माओं को भी आशीष दे और हमारे बीच में जितने भी माँ हैं सबको आशीष दे, क्योंकि वो हमें बहुत अच्छे सीख देते हैं. और यीशु मसीह भी इस दुनिया में आके इसी तरह से प्यार दिखाया और जिस तरह से हमारे माँ हमारे साथ प्यार दिखाते हैं. सो गॉड ब्लेस यू एंड वी प्रे फॉर ईच एंड एवरी वन ऑफ यू. थैंक यू. ठीक है, सो हम आगे बढ़ते हैं. I'm seeing that Sonu and Abby are there on the screen. So are you going to do the special? And Ricky is there. Welcome, Ricky. So you want to know, are you doing the special song first or are you doing the quiz? We'll do the quiz first. All right. So over to you, Sonu. Your time is yours. Today the quiz will be on Kahoot. So I request all of you to open your Kahoot apps on your phone, please. I'm sorry for the delay. We had to postpone the quiz as I had lost all the questions, so I had to make it in short notice. And it's a very easy quiz. I hope you'll all be able to answer. Even if you've read it once, you'll be able to answer.
So this is the game pin. I hope you all can see the game pin on your screen. Please enter. We have 7 players, okay, 8. We'll wait for another 1 minute. Any more people to join? Shall we start? Okay, we'll start. The quiz is on Leviticus chapter 22, 23, and 24. We have 10 questions. Question 1. How often should the lampstand continue to burn in the sanctuary? Option 1, always, throughout the day, throughout the night, or half a day. Okay, 5, if you got it right, the answer is always. The lampstand should be burning always. Go to the next question. Kush is leaving. Number 2, did God command an eye for an eye, a tooth for a tooth? Yes or no? Fairly simple. The answer is yes. Most of you got it right. Kenny is reading now. Number 3. How often is commanded to put fresh bread before the Lord on the table in the tabernacle? 2 loaves once a day, 1 loaf 3 times a day, 12 loaves every Sabbath, or 7 loaves once a week. Twelve loaves every Sabbath is the right answer. Only 3 of you got it right. Kenny is still leaving. Who was allowed to eat the holy food? Only the high priest, only the priest and the sons, only the priest's sons, or the priest and all of his family. The priest and all of his family is the right answer. Kenny is still leading. What day is this Sabbath under Judaism? The first day, the third day, the fifth day, and the seventh, or the seventh day? Okay, I'm happy that everyone got this right. Kenny, very good, still leaving. Others can back up. 6th question. How many days are the feasts of the tabernacle celebrated? For 4 days, or for 12 days, for 7 days, or for 8 days? Leviticus has a lot of numbers and facts.
especially about the sanctuary and the dimensions. So we need to know the sanctuary. Yes, I'm happy that everyone got this right. 7 days. 7 days they celebrate the feast of the tabernacle. Kenny's leading, but Kush has a high streak. What did God promise to the Israelites in return for them obeying all of his law? You will be safe in your country and have plenty of food. You will never die, or you will have an example. You will be an example to other nations. The Lord promised that we will be safe in your country and have plenty of food. This is the promise that God gave the Israelites. Okay. Last two, three questions. Who did the Lord order to tend the lamps outside the tent of meeting from evening till morning continually? Aaron, Moses, or Israel? This is an easy question. I hope everyone gets it right. Aaron is the right answer. Kenny is still leading and has a streak of 5 correct answers. How often was the year of Jubilee celebrated? Every 7 years, every 12 years, every 50 years, or every 20 years? The answer is every 50 years. The last question. Since God commanded the people not to plant during the 7th year, how were the people going to get food to eat? God would bless the crops and they would continue to produce for 3 years. God would place in the heart of other nations to bring food, or God would cause the people to not need food for the 7th year. The answer is God would bless the crops and they would continue to produce for 3 years. Most of you got this right as well. And let's see who is the winner. On third place we have Indore. In second place we have Burr. And first place we have Kenny. Yes, congratulations winners. And we have runners up Kush and Dilan. Thank you all for participating. I thank the GPT family for letting me join in this Sabbath service time, the meeting here. I consider it a privilege to be a part of this family, and I'm happy to sing a song as well with my wife and Abby, my new brother. And the song we're going to sing is about how we start off as a new family and how God is... God will bless us, and we look forward to that, and we keep our hopes in Him. That will be your home, and with faith we'll build it strong. We'll build a household of faith that together we can make. When the strong winds blow, it won't fall down. As one in Him will grow, and the whole world to love each other at any cost, unselfishly. And a home must be a place that fully abounds with grace, a reflection of His face.
So much, Dr. Ricky and Dr. Sono and Abby, for that wonderful message and song. And we have you covered in our prayers as you begin your new life together. And we did pray in the beginning for you. So thank you so much for joining and leading in the quiz too. And it is a privilege to have you as our son in the family. Okay, so welcome. All right, so moving on, we have to bring this the worship to close. And as we bring the worship to close, we want to invite Sedu Mamu, Samuel Hembrom, Mr. Samuel Hembrom, to come and lead us in the closing prayer. And after that, we will have a couple of announcements. Let's pray. Prarthna karenge. Hey, hamare swarga pita, dhanyabad dete hain. Hare सब दिन के शुरुआत के जैसा आज भी हमने सबत की शुरुआत किया, सबत का स्वागत किया और सबत स्वागत में इतने सारे लोग पारिवारिक तरीके से, इतने सारे लोग, इतने सारे परिवार आज के इस वेस्पर मीटिंग में जमा हुए, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं, सब कुछ तेरे इच्छा के अनुसार और तेरे व्यवस्था के अनुसार सब कुछ हुआ और सब कुछ ठीक से चला। धन्यवाद देते हैं हम डॉली के लिए, डॉली को धन्यवाद देते हैं जो आज का वचन हमारे सामने, हमारे बीच में पेश की और महिला का विश्वास को दिखाया। जो भी वो अनवांटेड, जो भी वह ईश्वर के, यीशु मसीह के तरफ से वो त्यागी हुई थी, यीशु मसीह उसको मना कर दिया था, लेकिन फिर भी उसके मजबूत विश्वास के द्वारा वो उसका जो रिक्वेस्ट था, यीशु मसीह ग्रहण किया और कहा कि तेरे विश्वास ने तेरे बच्चे को, जा जैसा तू चाहती है वैसा हो। मदद कर प्रभु हमारा भी विश्वास। हम जब इस दुनिया में जीते हैं, हम अपने विश्वास को तुझ में इतना मजबूत करें कि दुनिया के हर तकलीफ, मुसीबत और जितने भी चीजों का सामना करते हुए हम आगे जो बढ़ते हैं तो हमें उसमें, हमको क्या मिलता है, तेरा ताकत और विजय प्राप्त होता है। जितने लोगों ने आज के बाकी कार्यक्रम में भाग लिया, डॉली जो प्रेजेंट की, गाना प्रेजेंट किया गया, क्विज प्रेजेंट किया गया और स्पेशल सॉन्ग्स थे, सब के लिए तो उसको धन्यवाद देते हैं जो आज शाम को हमने इतने सारे मिल करके उसमें शामिल या भाग ले सके। अभी हम आज के लिए सब कुछ समाप्त करते हुए अपने आप को तेरे हाथ में सौंपते हुए प्रार्थना तेरे बेटे यीशु के नाम से मांगते हैं। देकर सुनो, ग्रहण कर, आमीन। Is it she